पिछले कई सालों से अकोला बीजेपी में चल रही अंदरूनी मतभेद उस वक्त खुलकर सामने आई जब अकोला बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 9 साल अकोला के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अशोक ओलंबे को टिकट ना मिलने की वजह से अपने हजारों समर्थकों के साथ उन्होंने बीजेपी से बंडखोरी करते हुए अपक्ष से उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया। हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल से डॉक्टर अशोक ओलंबे ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि अकोला बीजेपी में कुछ लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं, उन्हें पार्टी के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों बीजेपी समर्थकों ने बीजेपी से बगावत की है, जिसका परिणाम जल्द विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सामने आएगा, जिसका नुकसान सीधा सीधा बीजेपी को अपनी सीट गंवा कर भुगतना पड़ेगा। तो अशोक ओलंबे प्रहार जनशक्ति से आज मेरा नामांकन मैंने भरा है। आप भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेताओं में और एक यानी अहम मजबूत कड़ी माने जाते थे, तो आपने जो बनखोरी करके भारतीय जनता पार्टी से करे है, तो ये किस वजह से करना पड़ा आपको? गए 5 साल से जो पार्टी का व्यवहार मेरे प्रति रहा है, कोई कार्यक्रम में नहीं बुलाना, कार्यकर्ताओं को साइड ट्रैक करना, और मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे हजार मुझे सैकड़ों कार्यकर्ता है जो अभी साइड ट्रैक हुए हुए घर को बैठे हुए, इसलिए मुझे ये कदम लेना पड़ा कि जो व्यक्ति तीन टर्म लगातार 9 साल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद पर रह चुका है और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है, आज उसको भी ये कोई कीमत नहीं दी जाती। यहाँ के संगठन के माध्यम से कार्यकर्ता को मिटाने का कार्य चलता है और ये बार बार हुआ है, 2014 में भी हुआ है और 2019 में भी हुआ है।